फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएम की किचन। आज आप लोगों को कुछ गेस्ट लग रहा है क्या मैं बनाने वाली हूँ? आइए बताती हूँ, आज मैं फ्रेंकी बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंकी का मैं डो बनाने भी सिखाऊंगी और उसका मसाला रेडी करना भी सिखाऊंगी कैसे करते हैं। फ्रेंकी के लिए, मसाले के लिए क्या क्या चाहिए? मैंने यहाँ पे पनीर लिया है, कैबेज लिया है, सब बारीक बारीक पतले पतले काटने हैं, अनियन लिया है, कॉर्न लिया है मैंने, कैप्सिकम लिया है, टमाटो सॉस लिया है, फ्रेंकी मसाला लिया है, धनिया लिया है। और देखिए यहाँ पे मैंने स्पून में ही जो जो मुझे एक ही स्पून लेना है वो मैं स्पून में ही लेके रखी हूँ। मैंने यहाँ पे चिली लिया है, चिली जैसा आपको टेस्ट लगे वैसे लीजिए, जितना तीखा आप खा सकती हैं। अदरक लिया है और लहसुन लिया है, लहसुन का पेस्ट नहीं बनाना है, कूटा है, कूट के रखना है। और रेड चिली पाउडर लिया है, मैदा लिया है मैंने डो के लिए, और चीज़ लिए हैं, ये ऑप्शनल है बट मैंने चीज़ लिया है। और ये फ्रेंकी मसाला है बट मैंने इसे घर पे बनाया है। इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप बना सकती हैं, बहुत इजी है। मैंने फ्रेंकी के डिब्बे में ही रखा है बट ये होममेड है। तो आइए पहले मैं डो लगाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मैं रिफाइंड फ्लावर ले रही हूँ, मैदा 1 कप और भी लूंगी, पहले से छान लूँ। एक कप और लूंगी, मैंने इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाला है, बस 1/4 टीस्पून मैंने शुगर डाला है, और इसको मैं मिक्स कर लूंगी। इसको मैं मिक्स कर लूंगी। अब देखिए मैं स्पून ग्रीटिंग प्रोसेस में शुरू कर रही हूँ, इसमें डाल के इसमें मैं इसमें मैं 1 टेबल स्पून इसमें मैं 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डाला है मैंने, इसमें नीटिंग कर लूंगी, पहले मैं मिक्स करूंगी। फ्रेंड्स देखिए हमारा डो रेडी हो गया है, मैं दिखाती हूँ, देखिए अच्छा ये सॉफ्ट डो रेडी हो गया है। देखिए कितना सॉफ्ट डो रेडी हो गया। आप हाथ से भी गूंथ सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है इस बाउल में, और मैं इसको मिक्स करके 1/2 आवर के लिए मैं इसको रेस्ट करने के लिए रख दूंगी, क्योंकि मैदे की कोई भी चीज़ें 1/2 आवर रेस्ट करना ज़रूरी होता है, फिर ये सेट हो जाए। उसके बाद मैं इसकी रोटियां बेलूंगी। इसको सेट होने के लिए मैं 1/2 घंटा रख देती हूँ, तब तक मैं इसके मसाले तैयार करती हूँ। फ्रेंड्स मैंने 2 टेबल स्पून इस पैन में ऑयल डाल लिया है, वेजिटेबल ऑयल डाला है, आप जो भी खाते हो उसको डाल लीजिए। और मैं इसको गर्म कर रही हूँ, जब ये गर्म हो जाए तो फिर मैं और सब
ऐड करती हूँ। फ्रेंड्स मैं इसमें गरम हो गया है मेरा ऑयल, तो मैं इसमें लहसुन, मिर्चा, अदरक ये मैं तीनों ऐड कर रही हूँ। गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे, ये जले नहीं, थोड़ा इसको चलाना है। मिर्चा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, जितना तीखा आप खाते हैं तो उतना ले सकते हैं। इसमें प्याज नहीं डालना है, प्याज बाद में यूज करेंगे हम। अब ये हो गया है, अब मैं इसमें जो वन बाउल कॉर्न लिया था वो मैं डाल रही हूँ। इसमें कैप्सिकम डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं कैबेज डालूंगी, पूरा नहीं डालूंगी, कुछ मैं बाद के लिए रखी हूँ। अब मैं सबको मिक्स कर लूंगी। मुझे कॉर्न को सॉफ्ट होने तक पकाना है। इसमें कॉर्न तो वैसे बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, 5 मिनट लगेगा कॉर्न सॉफ्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट ऐड करती हूँ। सॉल्ट आप एक अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है। जब थोड़ा हमारा कॉर्न सॉफ्ट हो जाएगा फिर मैं इसमें पनीर ऐड करूंगी और सब इसमें मसाले ऐड करूंगी। इसको थोड़ा मैं ढक के पकने के लिए छोड़ दे रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए ये सॉफ्ट हो गया है, कॉर्न सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स इस पनीर को मैंने घर पे ही बनाया है, इसमें मसाले मिक्स करके बनाई हूँ जो फ्रेंकी के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसकी कभी भी रेसिपी शेयर कर दूंगी आपको। अब इसमें मैं चिली पाउडर डालूंगी, हल्दी पाउडर डालूंगी, और मैंने जो फ्रेंकी मसाला बनाया है उसको मैं 1 टेबल स्पून पूरा भर के डालूंगी। देखिए मेरा 1 टेबल स्पून मेजरमेंट है। इसको बनाना बहुत इजी है, आप घर में इसको बना सकती हैं, बहुत इजी है इसको बनाना। अब मैं इसको मिक्स करूंगी। अभी इसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, अभी लग रहा है कि फ्रेंकी बनने वाला है, इतनी अच्छी स्मेल आ रही है। फ्रेंड्स इसमें पनीर मैंने लंबे काट के लिए हैं क्योंकि रोल करने में इजी होता है, अगर आप स्क्वायर में काटते हैं तो टूटने का डर होता है। इसीलिए मैंने देखिए जितने सारे पनीर हैं मैंने देखिए लंबा काट के लिया है। देखिए ऐसे आप लंबा काट लीजिए पनीर को। अब मैं इसमें टेबल स्पून मैं इसमें टमाटो सॉस डाल दूंगी। इससे इसमें जो खट्टा मीठा टेस्ट आता है बहुत ही टेस्टी लगता है।
मैं इसको 10 मिनट ढक के पकने के लिए कि मसाले आपस में मिक्स हो जाएं, पनीर का भी टेस्ट, पनीर में भी टेस्ट आ जाए, इसीलिए 10 मिनट के करीब मैं इसे बहुत स्लो फ्लेम पे ढक के पकने दूंगी। फ्रेंड्स देखती हूँ, हाँ देखिए हमारा मसाला सॉफ्ट हो गया है। मैं इसमें कोरिएंडर लीफ डाल रही हूँ और गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। अब मैं इसको, हमारा ये मसाला रेडी हो गया है, अब मैं इसके लिए रोटियां बनाऊंगी। तब तक ये ठंडा भी हो जाएगा, तब जाके बताएंगे कि कैसे फ्रेंकी का रोल करके फ्रेंकी इसकी खाएंगे। फ्रेंड्स देखिए ये हमारा डो रेडी हो गया है। अब थोड़ा मैं इसको गूंथ लेती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट हो गया, देखिए कितना सॉफ्ट हो गया ये। फ्रेंड्स हमको जितनी बड़ी बनानी है रोटी उतना हम काट लेंगे इक्वल साइज में। देखिए हमारे पेड़े इतने बड़े बड़े बन के तैयार हो रहे हैं। जितना बड़ा आपको बनाना है उतना बड़ा आप बना सकती हैं। मैं सभी की लोई करके ऐसे चिकनी लोई बना लूंगी। फ्रेंड्स आइए गैस का फ्लेम ऑन कर लेती हूँ। इसको डस्टिंग कर लेते हैं थोड़ा। इसको हम जैसे रोटी बनाते हैं उतना ही पतला और जितना बड़ा आप बेल सकती हैं उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस पतला उतना ही रखना है जितना हम रोटी बनाते हैं। फ्रेंड्स मेरा तवा बड़ा है तो मैं थोड़ा रोटी और बड़ा बेल रही हूँ। देखिए हमको इतना पतला बेलना है जैसे हम रोटी बेलते हैं। देखिए मैदे की रोटी है, इसे थोड़ा ऐसे करके स्ट्रेच करना जरूरी होता है। हमारा तवा गरम हो गया है, मैं इसे तवे पे डाल रही हूँ। देखिए धीरे धीरे यहाँ पे अंदर से पीछे साइड से स्पॉट आना शुरू हो गया है, तब हम रोटी को पलटेंगे। जैसे हम नॉर्मल रोटियाँ बनाते हैं घर में, इसको भी ऐसे ही बनाना है, नॉर्मल रोटी जैसे ही बनाना है। देखिए थोड़ा इसको कम में सेकूंगी, जब फाइनल जब प्लेटिंग करूंगी उसके बाद मैं इसे गरम कर कर के सेक के ऑयल लगा के तब उतारूंगी। आइए जब तक ये बन रहा है मैं दूसरी रोटी बेल लेती हूँ। देखिए देखिए हमारा एक साइड कितना अच्छा स्पॉट आ गया। अब हम थोड़ा सा इसे कर करके देखिए ये
फूलने लगा है। देखिए हमारी रोटियां फूलने लगी हैं। देखिए अब मैं ऐसे थोड़ा सा, देखिए हमारा अभी साइड साइड में कच्चा है, साइड साइड में देखिए कच्चा है अभी, लेकिन मैं इसको बाद में करूंगी। जब हम फाइनल प्लेटिंग करेंगे तब जाके एक बार इस पे ऑयल लगा के कर लेते हैं, तब तक मैं इसे साइड में निकाल के रख देती हूँ। फ्रेंड्स ये भी मेरी मिल के तैयार हो गई है। एक दो बार इसे ऐसे करेंगे क्योंकि मैदे की रोटियों को स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं इसको तवे पे डाल रही हूँ, इसको भी देखिए हाथ से ऐसे कर लीजिए। फ्रेंड्स देखिए हमारा ऐसे ही फूल जाएगा, साइड में निकाल के रखती हूँ। ऐसे ही हम सब बना लेंगे। फ्रेंड्स अब हम इसको फाइनल का टच देंगे। अब मुझे प्लेटिंग करनी है तो अब हम इसको गरम गरम भी करके और आराम से देखिए थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, थोड़ा ऑयल इस पर पेस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। उलट पलट के हम इसे गर्म भी कर लेंगे। हो गया, अब मैं दूसरी भी कर लगाती हूँ इसी तरह। इस पे भी हल्का हल्का ऐसे ऑयल लगा देंगे। दोनों तरफ ऑयल लगा के ऐसे थोड़ा इसको गरम कर लेंगे। और जब भी आपको खाना हो इसी तरह पहले थोड़ी सी कच्ची रोटी बना लीजिए, और जब भी आपको खाना हो तो गरम करके थोड़ा सा ऑयल लगा के पक्की रोटी करके तब जाके आप फ्रेंड्स। अब मैं प्लेटिंग करती हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा इस पे सेजवान सॉस लगाऊंगी। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो सेजवान लगाइए, पूरा अच्छी तरह से स्प्रेड कर दीजिए। अब मैंने जो मसाला तैयार किया था वो ऐसे 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 लंबे में रख दूंगी। मैं ऐसे कैबेज ऐसे लंबे में इसको रख दूंगी। देखिए वैसे भी बहुत कलरफुल दिख रहा है। ऐसे मैं कैप्सिकम रख दूंगी, ये अंदर चला जाता है तो बच्चों को पता भी नहीं चलता है। थोड़ा सा धनिया रख दूंगी इसमें ऐसे, और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर मेयोनीज डाल दूंगी। देखिए मेयोनीज बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आएगा। मैं इसमें मेयोनीज डाल रही हूँ। मैं इसमें चीज डालने वाली हूँ। देखिए बच्चों को चीज बहुत अच्छा लगता है। देखिए मैंने इसमें चीज भी डाल दी है। अब देखिए इसको रैप कैसे करना है। इस पर थोड़ा सेजवान मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। अब देखिए इसको रैप कैसे करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ये साइड नीचे का साइड ऐसे फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद इसको ऐसे और देन इसको ऐसे रैप कर देंगे। और मैं इस पर
टूथपिक ऐसे लगा दूंगी, ये खुलेगा नहीं। ऐसे ही मैं सबको करके फिर बताती हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने सब ऐसे ही रैप कर लिया है, सब ऐसे ही रैप कर लिया है। अब मैं देखिए इसको टिश्यू पेपर से कवर कर दे रही हूँ कि आपको बहुत इजी हो। आइए बच्चों को कुछ प्रॉब्लम ना हो या किसी को भी, बड़ों को भी। ऐसे हम सबको सब हम ऐसे, हमारा हाथ भी गंदा नहीं होता है। देखिए सब हम ऐसे टिश्यू पेपर में लगा के इससे आपका हाथ भी गंदा नहीं होगा। बहुत बच्चे इजीली इसको पकड़ के खा लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, बिल्कुल मार्केट जैसी फ्रेंकी हमारी रेडी हो गई है। आप इसको खाएंगे तो मार्केट का भूल जाएंगे। और मैं इसको सॉस के साथ दे रही हूँ। वैसे तो इसके साथ सॉस की ज़रूरत नहीं होती है, ये वैसे ही इसमें सब कुछ डाला हुआ है। पर देखिए है ना लाजवाब, कितना अच्छा फ्रेंकी। आप ऐसे उठा के इसे खा सकते हैं, देखिए कितना कलरफुल लग रहा है। फ्रेंड्स इसे ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए। और ये बहुत ईजी है, बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आप इसे सिंपल आटे से भी ट्राई कर सकते हैं, गेहूं के आटे से। ये मैंने आज बनाया है मार्केट जैसा, इसीलिए मैंने मैदे से ट्राई किया है। इसीलिए आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। कभी कभी मार्केट जैसा भी बनना चाहिए, इसीलिए कभी कभी मार्केट के लिए बनाना है तो आप मैदे का बना सकती हैं, नहीं तो वैसे आटे का भी बना सकती हैं। और बच्चे इसे बहुत लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। इसमें वेजिटेबल भी होता है, उन्हें दिखाई नहीं देता, थोड़ा स्पाइस होता है तो उन्हें कुछ पता नहीं चलता। चीज़ से देखिए पूरा चीज़ भरा हुआ है, इसीलिए उन्हें चीज़ भी बहुत पसंद है। तो मैंने बनाया है, आप भी घर पे ट्राई कीजिए। प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ये कैसा बना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय।